फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो इसका मेन फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, और इसमें जो हमारा शर्त होती है वो कैसी होती है बेटा? a इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, a ज़ीरो नहीं होनी चाहिए a की वैल्यू। ओके, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बनेगा, मेन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, चलिए एक्सरसाइज 4.1 के अंदर हम देखते हैं कि सम किस तरह से होंगे। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हमें चेक करना है कि ये जो इक्वेशन दिया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर खोलेंगे, x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6। ओके, चलिए इन दोनों को अंदर साइड में ले आइए, यहाँ हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। 2x से 2x कट कर दीजिए, तो x² प्लस 7 इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा? 0 हो गया। ओके, देखिए अब इसको हम इस फॉर्म में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो x² प्लस x की वैल्यू तो है ही नहीं, तो 0x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, ओके, कंपेयर करने पर यहाँ पर a की वैल्यू हमें मिलती है 1, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 7। तो देखिए हमें क्या चाहिए था, a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे a 0 नहीं है, मीन्स ये क्या हुआ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ओके, तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 दी गई है, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए सेकंड सम हम देखें, सेकंड सम में हमें लिखा हुआ है x² माइनस 2x माइनस 2 3 माइनस x। ओके, चलिए तो x² माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6, माइनस 2 एंड माइनस प्लस हो गया प्लस 2x। इन सबको अंदर ले आइए, x² माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस 2 एंड माइनस 2 माइनस 4 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो अब इसको भी कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 4 एंड c की वैल्यू 6। b और c की कोई भी वैल्यू हो लेकिन a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए, 0 से ज़्यादा कुछ भी हो सकती है। सो a इज इक्वल्स टू 1 है, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फ्रेंड्स देखिए अब थर्ड सम हम देखते हैं, x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 x प्लस 3। हम इन दोनों का अगर हम ओपन करेंगे ब्रैकेट, मल्टीप्लाई करेंगे, x से x का मल्टीप्लाई x² x से 1 का मल्टीप्लाई x माइनस 2 का x से माइनस 2x माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2। x का x से कीजिए x² हो गया, x का 3 से कीजिए 3x माइनस 1 का x से कीजिए माइनस x एंड माइनस 1 का 3 से करेंगे कितना आएगा? माइनस 3। ओके, तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस x माइनस 2, यहाँ हो जाएगा x² 3 का 1 से कीजिए 2x माइनस 3। टोटल की वैल्यू को इस तरफ ले आइए, तो x² माइनस x माइनस 2, इन सबको इधर लेके आएंगे तो इनकी साइन चेंज हो जाएगी, माइनस x² माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। x² से x² कट कीजिए, x और 2x की वैल्यू माइनस 3x माइनस 2 एंड प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा? प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर ये हम फॉर्म देखें तो ये हो जाएगा 0x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पर a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है माइनस 3 एंड c की वैल्यू दी हुई है 1। सो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक
इक्वेशन, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ हमें आया है x माइनस टू, सॉरी x माइनस थ्री, 2x प्लस वन इज इक्वल्स टू x एंड x प्लस फाइव। ओके चलिए x की वैल्यू 2 से करेंगे 2x स्क्वायर, x की वैल्यू 1 से करेंगे प्लस x, 3 की वैल्यू 2 से माइनस 6x, माइनस 3 की 1 से करेंगे माइनस 3, x से x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x से 5 का मल्टीप्लाई 5x। ओके 2x स्क्वायर, x का माइनस 6 से करेंगे माइनस 5x माइनस 3, ये सेम टू सेम आ जाएगा। इन दोनों वैल्यू को अंदर ले आइए तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस कीजिए, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5 एंड माइनस 5 हो जाएगा माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू 1, बी की माइनस 10 एंड सी की माइनस 3 हो जाएगी। ओके तो सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। चलिए नेक्स्ट में फिफ्थ सम के अंदर अगर हम देखें तो हमें दिया हुआ है 2x माइनस 1, x माइनस 3, x प्लस 5 एंड x माइनस 1। मल्टीप्लाई कीजिए 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3, इनका मल्टीप्लाई कीजिए x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। ओके चलिए मल्टीप्लाई हो गया, अब 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 7x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। टोटल वैल्यू को इस तरफ ले आइए 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस कीजिए x स्क्वायर 7 एंड 4 माइनस 11x 3 प्लस 5 प्लस 8, यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की माइनस 11 एंड c की हुई 8। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फ्रेंड्स इसमें एक्सेस क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 दिया हुआ है, वो आपको होमवर्क में करना है। ओके ये आपका होमवर्क है, नहीं आए तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे दूँगा। ओके थैंक यू।